बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतभेद की जो खबरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आती रहती हैं। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम वो नेता मौजूद रहेंगे जो कहीं ना कहीं बिहार सरकार में शामिल हैं। और अगर बात करें तो खास तौर पे जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता हैं वो एक तरफ, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार पर लगातार कई हमले किए जा रहे हैं, कई बातचीत देखने को भी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट किया है कि बिहार की सियासत में अब जो नया मोड़ आने वाला है कहीं ना कहीं उसको लेकर नीतीश कुमार भी तैयार हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही घोषणा कर चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीएम नीतीश ने आज बड़ी बैठक बुला ली है। यह बैठक शाम के 4:30 बजे बुलाई गई है। सीएम नीतीश ने जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं को बुलाया है सीएम हाउस में। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश ही करेंगे। इस बैठक में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में किस तरीके से बिहार में सरकार चलानी है और आने वाले दिनों में जो मानसून का सत्र चलने वाला है उसको लेकर किस प्रकार से तैयारियां की जाएगी। मानसून सत्र के पहले सीएम नीतीश की इस बैठक से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में किस प्रकार से सियासत और तेज करनी है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम दल हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री की स्पष्ट निर्देश और संदेश रहता है कि अगर नीतीश कुमार पर किसी प्रकार का कोई हमला हो या नीतीश कुमार किसी योजना को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता उस पर खड़े उतरे। ऐसे में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की सियासी माहौल और बिहार में किस तरीके से सियासत को चलाई जाए। खासतौर पर मानसून सत्र में सरकार को भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल के नेता मिलकर अगर घेरेंगे तो कैसे कंट्रोल करना है। भाजपा भी अपने ही सरकार पर लगातार हमलावर है, इसको लेकर भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में आज सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आने वाले दिनों की रणनीतियाँ और राजनीतियाँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।